दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं? तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया जी। देखो इरा की खुशी, इरा आरोही। ये क्या है पेपे जीन्स? आरोही 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 के लिए वो। आरोही पीहू पीहू आओ बेटे, गिफ्ट 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 आ गया। अरे वाह, अरे वाह, क्या आया क्या आया है? क्या है ये? क्या है ये? अरे इरा चिल्लाओ नहीं, दीदी के लिए है कुछ। क्या है भाई ये? वाह, ओह माय गॉड, पीयू का फेवरेट कलर। स्कूल बैग। बट किस लिए गिफ्ट किसने दिया है भाई? कहाँ से गिफ्ट आ गया? ये दिया है हमारे ऑफिस में दीक्षा मैडम काम कर रही है। अच्छा, डॉक्टर का बर्थडे था। हाँ तो ये दिलाने का इनकी कोशिश। अच्छा तो पीहू के लिए रिटर्न गिफ्ट आया है क्या? Yes. बट पीहू तो गई नहीं, पीहू ने तो कुछ दिया नहीं। हाँ पीहू को भी तो कुछ गिफ्ट देना चाहिए। रिंग गुड 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 गुड। ओपन करो, ओपन करके दिखाओ। देखे मेटू, वाओ पीहू वेरी नाइस, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत सुंदर है ना। मजा आ गया पीहू का, पीहू के तो मजे आ गए। अब पीहू को तो भाई फेवरेट कलर है, पिंक कलर है। हाँ न क्या, इरा के लिए नहीं है ये दीदी के लिए है। ओ ऐसे चीख रही है। नहीं दीदी का है, ये मुझे चाहिए ऐसे इशारा। ये तुम्हें चाहिए? किसको चाहिए? इरू को चाहिए। चलो दोनों बच्चे यहाँ प्ले कर रहे हैं। ये आई दौड़ के। हेलो हीरो, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या कर रही है काव्या? माइंड पजलर हम टीम वर्क से कर रहे हैं। पीहू मुझे बता रहे क्या क्या करने का। गुड गुड गुड, करो। वेरी नाइस वेरी नाइस। दोनों बच्चे यहाँ प्ले कर रहे हैं, शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं। और यहाँ देखो हीरू को देखो जरा, ईरा लगी हुई है दो अपनी दीदियों के पीछे। ये पीछे 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 लगी रहती है पूरे टाइम, पीछे पीछे। क्या कर रही है दीदी, क्या कर रही है दीदी? अच्छा हेयर बैंड लगा के दिखाओ ईरा, वेरी नाइस। देखो भाई ये देखो हेयर बैंड लगा के दिखा रही है, देखो देखो लगाओ ईरू, ये देखो। बाल हो ना हो हमको हेयर बैंड लगाना आता है। बस चलो आप लोग प्ले करो, ठीक है। जरा उसका वो कहाँ है, वो तो दिखाओ बिल्कुल। किसका क्या? इसका ये बताओ ना, इनको बताना पड़ेगा। नहीं ये तो इसका स्क्रू रहता है। ये अंकल रहेंगे ना, हम लोग जाएंगे कल प्ले जोन, लेकिन अंकल तो घर पे रहेंगे ना। चलो आ जाओ, किड्ज़ेनिया भी चलेंगे, जल्दी चलेंगे, इसी मंथ चलेंगे, ठीक है। आ जाओ चेयर रख दो बच्चे। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पे सुबह बुलाया था हम लोग ने ब्लड टेस्ट के लिए, सो मेरा ब्लड टेस्ट एंड वर्मा जी दोनों का ही ब्लड टेस्ट करवाना है यहाँ पे, ऐसे रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए। और यहाँ पे पहले मुझे बैठा दिया है इन्होंने कि पहले तुम कर लो,
और यहाँ दे उन दोनों बच्चे मेरे बैठे हुए थे लाइन से, वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। पीहू डर रही थी कि इसके बाद मेरा नंबर आएगा, उसके डैडी उसे डरा रहे थे। बट ऐसे ही हम लोग ऐसे रेगुलर चेकअप के लिए करा रहे हैं। सो मुझे भी डर लगता है, बट अभी क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। तो वर्मा जी मुझे बोल रहे थे कि तुमको बहुत जोर लगेगा, तुम मुँह उधर कर लो ये। तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी मेरी आदत हो गई है ये सब करा करके ऐसा। और अभी आज ये रक्षाबंधन की क्लिप है, कल मैंने केवल इतना ही रिकॉर्ड किया था। अभी रक्षाबंधन के दिन का क्लिप है ये। और यहाँ पे मैं सेवई बना रही हूँ और आलू टमाटर की सब्जी, आलू टमाटर मटर, साथ में पूड़ियाँ रहेंगी, साथ में मैं सैलड और पापड़ फ्राई करूँगी। और ये एडिटिंग करने के टाइम इस समय बहुत ज़ोर बारिश हो रही है, जिसकी आवाज़ आपको पीछे बैकग्राउंड में आ ही रही होगी, खड़खड़ खड़खड़ की। इसलिए मैं थोड़ा रुक गई थी और दो मिनट बाद मैंने एडिटिंग स्टार्ट करी है। थोड़ा बारिश अभी कम हुई है और यहाँ पे मैंने पापड़ जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए खाने की थाली लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर अपना लंच करते हैं। और हाँ, रक्षाबंधन का जो मुहूर्त था वो 1:30 बजे से था, तो अब लंच करने के बाद ही हम लोग भगवान को मतलब मैं राखी बांधूंगी। तो मैंने क्या सोचा, मैं शाम को ही राखी बांधूंगी। अभी ये 4 बजे की क्लिप है, पीहू आ चुकी है और मैं यहाँ पे अपनी राखी की जो प्लेट है वो तैयार कर रही हूँ, जिसमें राखी है, रोली है, चंदन है। सबसे पहले मैंने भगवान जी के टीका करके उनको राखी बांध दी है। अब दोनों बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को राखी बांधेंगे और पीहू अपने डैडी को भी राखी बांधेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने राखी के त्यौहार को। आई होप आप सबका राखी का त्यौहार बहुत अच्छा गया होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ईरा यहाँ पे तैयार होके बैठ गई हैं, डैडी भी आ गए हैं, पहले पीहू को बिठा दो। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों बहनें एक दूसरे के राखी बांधने जा रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये पहली बार ईरा की राखी हो रही है, मतलब फर्स्ट टाइम ईरा की राखी है। लास्ट टाइम तो ये बहुत छोटी थी, उसी टाइम ये हुई थी ना, तो बहुत छोटी सी थी और तब नहीं करा पाई थी मैं इसका, पीहू का राखी का ये त्यौहार। लेकिन अब हर साल दोनों बहनें एक दूसरे के राखी बांधेंगी और दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगी। मैंने पीहू को बहुत अच्छे से समझाया, उसने बोला हाँ मम्मा अब मैं ईरा की रक्षा करूँगी। तो बस इसी तरह दोनों बहनें जो हैं वो राखी बांधेंगी एक दूसरे को। अभी पीहू स्कूल से आई है, वो थोड़ा थकी भी है, बट अब ये मुहूर्त का टाइम था इसलिए फटाफट से कराना भी ज़रूरी था। तो बस यहाँ पे देखिए दोनों बहनें जो हैं वो राखी बांध रही हैं। तो बहुत सुंदर राखी बांधी है, ये देखो प्यारी राखी, दिखा दो राखी। अभी मिठाई खिलाओ, छोटा थोड़ा सा इसको मिठाई खिलाओ। हाँ खिलाओ खिलाओ, ये दबा के दबा के। इरु मुँह खोलो, आ इतना प्यार। हाँ खिलाओ, आ इरु आ, मिठाई नहीं खाना इरा, ये वाली खाएगी, ये वाली खाएगी, रहने दो ये दे देते हैं। चलो हो गया, क्लैपिंग करेंगे ना। चलो दीदी के टीका करेंगे, आओ दीदी पास आओ। ये देखो अभी दीदी की ये पन बंधेगी ना, चलो दीदी लाओ हाथ दो। ये देखो दीदी की राखी बांधी ईरा ने, ये इतनी सुंदर राखी। ये देखो दोनों बहनों की राखी है, ऐसे दोनों ने बांधी, खाना है। चलो दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं। तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। तो सुना गाइज आपने, ये जो पंडित जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका भाई नहीं है तो आप राखी का त्यौहार नहीं मना सकते हैं। आप बिल्कुल रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, आप अपनी बहन को राखी बांध सकते हैं, अपने पापा को राखी बांध सकते हैं, या फिर आप अपने भगवान को राखी बांध सकते हैं, जो कि आपकी रक्षा करता है। वही असली त्यौहार होता है राखी का, मतलब जो आपकी रक्षा करे, रक्षा के लिए आपसे वादा करे, आप उसको अच्छे से राखी बांधिए, वही आपका रक्षाबंधन का त्यौहार होगा। सो बस मैंने दोनों बच्चों को अपने समझाया है, मतलब पीहू तो समझदार है, वो समझ रही है। अभी आगे चल के मैं ईरा को भी यही समझाने वाली हूँ कि जो आपकी रक्षा करता है, आप एक दूसरे की राखी का त्यौहार वैसे ही बांध के मनाओ। तो मैं यहाँ पे बस राखी का त्यौहार जो है इसी तरह से मना रही हूँ। मेरे भाई तो बाहर है, मैंने राखी तो भेज दी है,
बट अभी क्या कर सकते हैं, भगवान को राखी बांधी और मेरी जो सिस्टर इन लॉ ने राखी भेजी थी वो मैंने बंधवा ली है पीहू से, मतलब पहन ली है। और बस इस तरह से हम लोगों ने अपना राखी का त्यौहार घर में मना लिया है। आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जो बोला है कि आप उससे एग्री करते हैं, सहमत हैं, तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे वर्मा जी जो है वो पैसे दे रहे हैं दोनों बच्चों को, 500 रुपये दोनों बच्चे गुल्लक पे डाल देंगे अपने पैसे। बस चलिए मैं मिलती हूँ आपको कैमरे के आगे आकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज रक्षाबंधन है और आज का मुहूर्त जो था वो देर से था, 1:30 बजे से पीहू का स्कूल था तो वो स्कूल गई थी। 4 बजे वो स्कूल से आई, फटाफट मैंने उसको नाश्ता करा करके और राखी बंधवा दी है। सबसे पहले मैंने भगवान जी को, कन्हैया जी को राखी बांधी, मिठाई खिलाई उन्हें, और अब फिर बच्चे लोग ने भी बांध दिया है, वर्मा जी को भी पीहू ने बांध दिया है। मेरी भी राखी है जो मैंने पहन ली है, चिंकी दी ने भेज दी थी मुझे। और बच्चों के पैसे जो हैं वो उसके डैडी ने, वो देखो कुछ हो रहा है बाहर, उनके डैडी ने बच्चों को दिए हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी कुछ मिलता है ऐसा कुछ बच्चों को, तो मैं बच्चों का, मैंने ये गुल्लक बनाया है, उसकी नानी ने दिया था, सो मैं दोनों के पैसे अभी एक में ही डाल देती हूँ। अभी ईरा के लिए गुल्लक मैंने लिया नहीं है, इस तरह से मैं पिगी बैंक में, वो देखो आ रही है आवाज़ करते हुए। क्या हुआ ईरा? अच्छा ये गेट बंद है, ये गेट खुलवा रही है। क्या हुआ बेटू? आ जाओ पीछे, आ जाओ मम्मा पास आ जाओ। ईरू तो वो गेट खुलवा रही है, वो लग रहा है पीहू ने, एसी चल रहा होगा बाहर तो पीहू ने गेट बंद कर लिया होगा। तो बस इस तरह से रक्षाबंधन हो गया है, कुछ एक दो रील बनाए वो मैंने अपलोड कर दिए इंस्टा पे। बस सब शाम के 4:30 बज रहे हैं, चाय बनाते हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर देती हूँ। मिलती हूँ कल एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।